गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं अल्ताफ और आप देख रहे हैं एएम नेटवर्क। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को और कैलिफोर्निया समेत कई राज्यों में कैसे आया ये कयामत का मंज़र। ये सैन फ्रांसिस्को में दिन के वक्त का मंज़र है। समंदर के किनारे वाकई ये शहर इस वक्त तकरीबन नाकाबिले शिनाख्त है। गोल्डन गेट ब्रिज को देखें, इसका रंग अपना भी ना रहा, ये नारंगी आसमान के रंग में ढल गया है। फिज़ा में मौजूद धुएं और राख के पीछे सूरज छिप चुका है और ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया ख़त्म हो रही है। 11:15 बजे सुबह सुबह ऐसा लग रहा है जैसे आधी रात का वक्त हो गया है। सुनने में आया है कि ये हॉरिगन से आ रहा है, कि ये और जबकि हॉरिगन सैकड़ों मील दूर है, और अब बिल्कुल कयामत का मंजर लग रहा है। महसूस हो रहा है कि मानो जैसे कयामत हो आज के दिन। ऐसा लग रहा है दिन में रात हो गई है। लॉस एंजल्स आसमान का रंग मामूली के मुताबिक है, लेकिन धुआं अभी भी है। लॉस एंजल्स में आसमान का रंग जैसा होता है वैसा ही है, लेकिन धुआं अभी भी है। धुएं ने तकरीबन पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया हुआ है। इस धुंध की वजह से कैलिफोर्निया और शहरी इलाकों में बेकाबू होने वाली ये आग है। इस धुएं के पीछे बेकाबू आग है। ये मंजर बड़ा ही भयानक है। इस आग की वजह से बहुत से लोगों की जायदादें और जिंदगियां तबाह हो गई। पुलिस अफसर आ रहे हैं, जा रहे हैं और लोगों को बाहर घरों से बाहर निकलने की वार्निंग दी। लोगों ने अपने ज़रूरी काम की चीज़ें लीं और अपने अपने घरों से निकलकर फील्ड एरिया में आ गए। ऐसा पहली बार हुआ है कि आग लगी हुई है। कयामत का मंजर है। हर तरफ बादलों में नारंगी सुर्खी छाई हुई है। बेशक ये सब गुनाहों का नतीजा है, उस खुदा का अजाब ही है ये नाफरमान कौम पर। आग इतनी भयानक लगी हुई है कि इसको काबू करना मुश्किल सा लग रहा है। ये आग अब भी जल रही है। आग लगने की बड़ी वजह यह है कि आग जंगलों में लगी हुई है। हजारों लोग सहम चुके हैं और वो सहम कर अपने घरों से बाहर आ गए हैं। आग पर अभी काबू नहीं किया जा सका है। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल पर देखा कि आखिर भारत के लखनऊ के देवा शरीफ में मौजूद हज़रत बारिश अली रहमतुल्ला अलैह की दरगाह का और अमेरिका के कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को का क्या कनेक्शन है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दरगाह का अमेरिका से कोई कनेक्शन नहीं है। अमेरिका में बादलों के लाल होने की वजह वहां पर लगी भीषण आग है, जबकि देवा में ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक बी केयरफुल।